अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिम सुल्तान, लेक्चर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। स्टूडेंट्स, लास्ट आज हम लेक्चर 7 में रिमेनिंग लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने लिपिड स्टार्ट किया था और उसमें हमने लिपिड्स को डिफाइन किया था और उसकी क्लासिफिकेशन की थी, और हमने पहली क्लास जो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव लिपिड्स, हमने पहली क्लास सिंपल लिपिड्स थी तो सिंपल लिपिड्स में हमने फैट्स को डिस्कस किया था। आज हम तीनों क्लासेस को कंप्लीट करेंगे और सिंपल लिपिड्स में वैक्सीज लास्ट टाइम रह गई थी, आज हम वैक्सीज से स्टार्ट लेंगे। तो वैक्सीज क्या होती हैं? मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो वैक्सीज क्या हो सकती हैं? लॉन्ग चेन अल्केन हो सकती हैं, उनके साथ अल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर एस्टर्स होती हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। तो इन सब चीज़ों से मिलके वैक्सीज बनती हैं। अच्छा, अब इनमें जो लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? उनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होती हैं, फ्रॉम 25 to 35। तो जो पहले हमने बात की लॉन्ग चेन अल्केन्स, तो लॉन्ग चेन अल्केन्स में कार्बन कितनी होंगी? एक तो ऑड नंबर होंगी और वो वेरी करेगा नंबर 25 to 35। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए वैक्सीज की, तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं फ्रूट्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर, और इससे होता है कैसे प्लांट का एक तो वाटर लॉस नहीं होता, दूसरा वो एब्रेसिव डैमेज जो रगड़ वगैरह है उससे वो बच जाते हैं। तो उसके बाद हम क्यूटेन और सुब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं, ये भी वैक्सीज से रिलेटेड है। तो क्यूटेन भी एक वैक्सीव मटेरियल है, वाटर रिपेलेंट है और प्लांट से प्रेजेंट होता है, और ये एक लेयर बनाता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। तो क्यूटेन किसका बना होता है? हाईली पॉलीमराइज्ड एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है, पॉलीमराइज्ड एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, एस्टर का आपको पता है पहले। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। सुब्रेन क्या चीज़ है? सुब्रेन एक इनर्ट इम्परमीएबल वैक्सीन, सबसे आते हैं इनर्ट होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। तो ये सेल वॉल्स के अंदर होता है और ख़ासतौर पर कॉर्क की टिश्यूज जो होते हैं उनकी सेल वॉल, कॉर्क की टिश्यूज जिनमें कॉर्क प्रेजेंट होगी। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये सुब्रेन एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी कि इसमें कौन से वाले फैटी एसिड्स होंगे? सुब्रेन एसिड्स होंगे। अच्छा, क्यूटिन और सुब्रेन की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं प्लांट सेल वॉल के। क्यूटिन के पार्ट में पहले भी आपको बताया कि प्रोटेक्टिव लेयर क्यूटिन बनाता है एपिडर्मिस के ऊपर लीव्स की, और क्यूटिन सुब्रेन मिल के जो है ना एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और वैक्सीज जो होती हैं ना उस मैट्रिक्स में डिपॉजिट हुई होती हैं, एम्बेडेड हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये क्यूटिन सुब्रेन और वैक्सीज जो हैं ये तीनों मिल के जो है ना अपना रोल प्ले करती हैं सेल वॉल के अंदर या उसको स्ट्रेंथ फॉर्म करने में। तो ये तो थे सिंपल लिपिड्स। अब हम चलते हैं कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड की तरफ, और उसमें हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू अ फैट मॉलिक्यूल। हमने पहले सिंपल लिपिड में फैट्स पढ़े थे, तो ये भी फैट मॉलिक्यूल की तरह ही होता है। फैट्स में हमने देखा था कि उसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, उसके साथ तीन फैटी एसिड्स या उनकी चेन्स अटैच होती हैं। यहाँ पर भी वही होगा, ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी और साथ फैटी एसिड चेन होगी, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड चेन होंगी, और वो जो तीसरी फैटी एसिड चेन यहाँ पे नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है कि तीसरी चेन की बजाय एक कोई भी नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे वो उसको रिप्लेस कर लेंगे। अब फॉस्फोलिपिड्स के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड किसका बना होता है और टेल किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड्स का हेड है वो पोलर होता है, ठीक है, और वो फॉस्फेट ग्रुप और कोई नाइट्रोजन ग्रुप्स होते हैं उन पर उसमें होता है, और ग्लिसरॉल भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। जबकि जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल है वो नॉन पोलर होती है और वो फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। तो हेड जो है इसका वो क्योंकि पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल भी है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है,
ठीक है, टेल जो है वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक भी है और इनसॉल्युबल इन वाटर भी है। तो ये फॉस्फोलिपिड की एक आप कह सकते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी है ख़ास, के ये इनका हेड जो है वो पोलर होता है और जो इनकी टेल है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, तो हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक। हेड की कंपोजिशन फिर में क्या हो गया आपका, फास्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जबकि टेल जो है वो फैटी एसिड होती है। अब हम इसको प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर सॉल्युबल एट वन एंड एंड इनसॉल्युबल एट द अदर एंड, सो दे आर अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इनका हेड सॉल्युबल होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी जो टेल होती है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं होते। तो ये फिर बड़ा अच्छा कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स का, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स जो है अगर वो डिसॉल्व हो जाएंगी तो सेल की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि वो डिसॉल्व ना हो, और उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स वाटर को अट्रैक्ट भी करते हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। फॉस्फोलिपिड्स की कोई एग्जांपल अगर की बात की जाए तो फॉस्फोटाइडल कोलाइन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड, और ये सेल मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। फॉस्फोटाइडल कोलाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, सबसे ऊपर कोलाइन ग्रुप है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, और फिर ग्लिसरॉल है। तो ये तीनों क्या हैं, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं, तो ये हेड बना रहे हैं। तो हेड क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, और वो आप देख रहे हैं नीचे किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड्स की बनी हुई है। ठीक है जी, ये फॉस्फोटाइडल कोलाइन का स्ट्रक्चर है, हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक। हेड बना हुआ है कोलाइन, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का, और टेल बनी हुई है फैटी एसिड्स की। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और वाटर को रिपेल करती है। नीचे सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, उसमें आप देखें कि हाइड्रोफिलिक हेड जो हैं वो आउटसाइड पे हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट दिखाई हुई है। ये सेल लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी है। आप देखें कि सेल के बाहर भी फॉस्फोलिपिड का जो होता है वो हेड होता है, और सेल के अंदर भी हेड होता है, लेकिन दरमियान में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो इस तरह से ये अरेंज हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स, और ये आपको बाद में साथ लिखा भी हुआ कि ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, हाइड्रोफिलिक हेड है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल है। जो लास्ट क्लास लिपिड की रह गई है वो है स्टीरॉइड्स, सॉरी डिराइव लिपिड्स, और डिराइव लिपिड में जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, नेचुरली अकलिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चार कार्बन रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं, और उन चार कार्बन रिंग के साथ अटैच होता है या तो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप उनके साथ अटैच हो सकता है, हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो स्टीरॉइड क्या हैं, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं जो कि चार कार्बन रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं, और उन चार कार्बन रिंग के साथ हाइड्रोकार्बन चेन्स भी अटैच होती हैं, या फिर कोई कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा या फिर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। तो इस तरह से ये इन सब चीज़ों के मिलने से एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर ये चार चेन्स की डिटेल में बात की जाए तो इनमें से जो तीन रिंग्स होती हैं, चार रिंग्स की अगर डिटेल में बात की जाए, थ्री रिंग्स होंगी इनमें वो सिक्स साइडेड होंगी, और जो लास्ट बाकी एक रिंग है वो फोर्थ वो होगी फाइव साइडेड। तो इस तरह से ये रेंज होती है, तीन सिक्स साइडेड रिंग्स और एक फाइव साइडेड। फोर रिंग्स जो हैं ये टोटल अरेंज, इनमें कार्बन को ऐड किया जाए तो टोटल कार्बन में 17 कार्बन होती हैं, हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ वेरियस लेंथ आर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप में भी अटैच टू दिस स्ट्रक्चर। तो इन 17 कार्बन की जो ये सेवन फोर चेन रिंग्स हैं इनके साथ क्या अटैच हो सकता है, इन फोर रिंग के साथ या तो कोई हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है या फिर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर कोई कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, जैसा कि हमने ये ऊपर डिफाइन किया था कि चार
रिंग्स के साथ हाइड्रोकार्बन चेन्स या फिर कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप या फिर कोई कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें इनके साथ अटैच हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए इनकी मज़ीद, तो दे अकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। स्टीरोल जो है ये भी एक सब ग्रुप है स्टीरोइड्स का, और इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है चार कार्बन नंबर 3 के साथ, ठीक है। इसी तरह जो कोलेस्ट्रोल है ये भी एक बड़ा एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरोइड है। इस तरह वाइटामिन जो डी है ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टीरोइड की। तो ये दो तीन एग्जांपल हमने आपको दे दिए। स्टीरोइड्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मेम्ब्रेन्स का तमाम ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, और इनका फंक्शन क्या होता है, दे स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड टेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है कि दे स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड टेल। मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फॉस्फोलिपिड टेल होगी हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ, उसको स्टेबलाइज करते हैं। इस डायग्राम में अगर फिगर को आप गौर से देखें तो जो चार रिंग्स होती हैं कार्बन की वो दिखाई हुई हैं स्टीरोइड्स के अंदर, ए बी सी और डी, लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है। अगर आप गौर से देखें तो जो ए बी सी है ये पहली तीन रिंग्स हैं और ये 6 कार्बन वाली रिंग्स हैं, लेकिन जो फोर्थ है वो 5 कार्बन रिंग है, और इन सब कार्बन को आप अगर ऐड करें तो ये टोटल नंबर बनेगा 17। तो ये टोटल 17 कार्बन होती हैं इन चार रिंग्स में। अब अगले नेक्स्ट डायग्राम जो सामने बनेगी उसमें कोलेस्ट्रोल दिखाया हुआ है, स्टीरॉइड दिखाया हुआ है आपको, और कोलेस्ट्रोल में देखें आप यही चार रिंग्स हैं और उसके साथ जो है एक ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन अटैच है सारी और इस तरह से। तो ये स्टीरॉइड का फार्मूला है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी है। तो इन चार रिंग के साथ जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो पार्टिकुलर स्टीरॉइड बन जाता है, डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप उनके साथ अटैच है। तो आज हमारा लिपिड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है बायो मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।